हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियंका जैन और मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे एसपी का नेम है संदीप शर्मा और हमारा रिलेशनशिप 2 ईयर्स ओल्ड था और मिलने के 1 मंथ बाद ही उन्होंने मुझे कमिटमेंट भी दे दी थी शादी की कि मैं आपसे ही शादी करूँगा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब मुझे मेरा फ्यूचर स्पाउस मिल गया है जिनके साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तो मतलब वो अपने वर्क पे ध्यान देने लगे और मैं अपने वर्क पे ध्यान देने लगी। हम एक अपने ग्रोइंग पे ध्यान देते थे कि कैसे हम ग्रो करें। तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम आई, क्या टर्निंग पॉइंट आया हमारे रिलेशनशिप में कि उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। ऑन ऑफ ऑल सिचुएशन रहने लगी, कभी वो मुझे ब्लॉक कर देते, कभी वो मुझे अनब्लॉक कर देते, कभी वो मुझसे बात करते ढंग से, कभी चिड़चिड़ करके बात करते। तो मैं ये सब सिचुएशन को देख के ना काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगती थी। तो इस चीज़ों के बाद मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आप ऐसे ऑन ऑफ सिचुएशन रखते हो, कभी मुझसे बात करते हो कभी नहीं करते हो, तो आप ऐसा बिहेव क्यों करते हो। तो उन्होंने मुझे एट दी एंड ये बोला कि मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। ये सुनने के बाद लाइक मैं एकदम से शॉक्ड हूँ, एकदम से शॉक्ड। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब मेरे दिमाग में से सुसाइड के थॉट आने लग गए। मैं डिप्रेशन में चली गई ना, मेरा कुछ खाने का मन करता था ना, पीने का मन करता था और ना मेरा मेरे वर्क पे फोकस रहा था। तो मतलब मेरी लाइफ एकदम से ख़राब हो चुकी थी। तो मतलब मैं यूट्यूब पे ना वीडियो स्क्रोल करती रहती थी एंड मैं देखती थी कि शायद कुछ हो, कुछ मिल जाए मुझे कि मैं उनको वापस ला सकूँ अपनी लाइफ में। तो ऐसे स्क्रोल करते करते मुझे एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल नाम का चैनल रिफ्लेक्ट हुआ और मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें काफ़ी लोगों को अच्छी सक्सेस मिली है उनके रिलेशनशिप में। तो मैंने जस्ट ऐसे देखते देखते उनको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया एंड कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे आंसर भी दिया और आंसर देने के बाद उन्होंने मुझसे और मतलब मेरी और मेरे एसपी की फ़ोटो मुझसे मांगी और मतलब उन्होंने बताया कि आपको मैं थर्ड आई रीडिंग रिकमेंड करती हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपके रीज़न क्या है अलग होने का। तो मैंने फिर थर्ड आई रीडिंग करवाई। तो वो थर्ड आई रीडिंग करवाने के बाद मुझे रीज़न भी पता चल गया कि क्या रीज़न था। एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी थी जिसकी वजह से वो मुझसे ऐसा बिहेव करते थे और ये सब कुछ इस वजह से हुआ था। तो डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल मैम ने मुझे कुछ टेक्निक्स बताई और ये बताया कि आप किस तरह से लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो जिससे सब कुछ पहले की तरह बेटर हो जाएगा। और ये सब कुछ मैं कर ही रही थी कि विद इन 15 डेज में मुझे रिजल्ट मिल गया। जिस इंसान ने मुझे बोला था कि आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, हम दोनों अलग हो चुके थे, उन्होंने मुझे खुद कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके मुझे बताया कि वो एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे जिस वजह से वो ऐसा बिहेव करते थे। मतलब उन्होंने खुद मुझे बताया एंड ये सब कुछ बताने के बाद उन्होंने मुझे सॉरी बोला एंड मुझे दोबारा से कमिटमेंट दी एंड हम शादी करेंगे। सो आई एम सो हैप्पी एंड ये सब कुछ जो भी हुआ है वो डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल मैम की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग एंड आपकी वजह से ही मतलब जो रिलेशनशिप ख़राब हो चुका था वो दोबारा से ठीक हो गया है। एंड थैंक यू सो मच, आप ऐसे सबकी हेल्प करते रहो। गॉड ब्लेस यू।